दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी अदाएं 90 के दशक में कहर डाती थी, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई नामी एक्टर्स के साथ काम भी किया और जिन्हें अमिताभ बच्चन की दूसरी पत्नी या फिर रखेल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं रेखा की, जिनकी असल जिंदगी विवादों से भरी रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी में रेखा कई मर्दों से बिछड़ने के बाद अपने शरीर की हवस को किस आदमी का इस्तेमाल करके मिटाती आ रही हैं? दोस्तों इस बात से तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि अपनी जवानी के दिनों में रेखा की नज़र जिस हैंडसम मर्द पर पड़ जाती थी, वे उस मर्द से ही अपने शरीर की भूख शांत कराकर ही दम लेती थी, चाहे वो हीरो अक्षय कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन। लेकिन आज हम आपको रेखा की लाइफ का एक ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन रेखा की सारी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रेखा और विनोद मेहरा की शादी के दौरान हुआ एक ऐसा किस्सा जो आज तक प्रचलित है। जब ये दोनों कोलकाता से शादी करने के बाद मुंबई पहुंचे तो वहां पर रेखा का स्वागत चप्पलों से किया गया था। जी हाँ, आप सबने सही सुना, क्योंकि रेखा की सासू माँ कमला इन दोनों की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज थी, और जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए नीचे की तरफ झुकी तो तभी रेखा की सास ने उन्हें जोरदार धक्का मारा और उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी और घर से बाहर भी निकाल दिया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेखा के माथे का सिंदूर आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं। और अब बात आती है सेक्रेटरी फरजाना और रेखा के संबंधों की। आपको बता दें कि रेखा को अक्सर इस महिला के साथ देखा जाता रहा है। दरअसल रेखा और फरजाना के संबंधों को लेकर काफ़ी अटकलें भी लगाई जाती रही हैं और इनके नाजायज संबंध फरजाना से हैं। तो दोस्तों आपको इन दोनों के बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।